बच ऐ की हो रही है कि बदतमीजी है हैं। गब्बू गोशा कहते हो कि बब्बू गोशा कहते हो? क्योंकि मैं तो गब्बू गोशा कहती हूँ। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया। आज मौसम इतना हसीन हुआ पड़ा है, बारिश हो रही है सुबह से। अभी वॉक करा के आए तो हल्के हल्के बूंदा बांदी हो रही थी। आपको मेरे बालों से पता लग रहा होगा कि मेरे बाल गीले हुए पड़े हैं। तो मौसम है कैंट हुआ पड़ा पूरा। स्कॉच भी शिदाई हुआ पड़ा मौसम की वजह से। मुझे दंदियाँ काटी जा रहा है जब से देखो, उसको जूमीज आई हुई है, जूम जूम करके भागता फिर रहा है। गाइस, बारिश का ना मजा ही कुछ और है। इसको आज भी खुश हुआ पड़ा है। अब इसकी मैडम अंदर है, उसको उसको दूसरी टेरेस पे जाना है। उसको बालकनी में नहीं आना, उसको टेरेस पे जाना है कि मैं भीग जाऊं पूरी। इतनी चलाकू है वो। पर सही यार, मौसम अच्छा हो गया। इतने दिनों से गर्मी में मर रहे थे। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है जब मौसम अच्छा होता है ना, कि जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं या गली में जानवर वानवर रहते हैं, तो उनके लिए ठंडा हो गया, उनको मतलब उनके लिए मौसम अच्छा हो गया, उनको फिर गर्मी लग गई। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की होती है जब बारिश बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है। सुबह बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं उठी हूँ अराउंड 5, बड़ी तेज़ बारिश हो रही। तो फिर हम विस्की स्कॉच को भी नहीं लेके जा सकते थे वॉक पे, तो फिर मैं लेटी फिर सो गई काउच पे। दिल कर रहा है कहीं घूम फिर के आऊँ, कहीं गेड़ी गुड़ी मार के आए, कुछ खा पी के आए। चलते नीचे हम भी अपने काम खार कर ले, खमुखारों पे चले, खमुखारों पे। गाइस ये देख लो, इसकी जिद कर रही है कि मुझे बाहर जाना। मैं इतना समझा रही हूँ कि बालकनी में आ जा, पर जिद से अड़ी कि मुझे यहीं बाहर जाना है। चलो फिर ले जाते हैं, हो जाएगा, जो गंद पड़ना वो तो पड़ ही जाना है। हाँ, ये मिट्टी खाने आए हैं दोनों, ठहर जाओ तुसी। ये देख लो, मोशर में बैठा मेरे को डराने के लिए। मैं ऊपर आऊंगी तो मेरे को देख के भागेगा। चल थले, चल चलो चल चलो थले। गाइस मैं ना इसलिए छत पे नहीं लेके आती, ये देखो पिजन ने अंडे दिए हुए हैं, इसी वजह से नहीं मैं लेके आ रही थी। इन्होंने आके अंडे खा जाने हैं। तो छुप कितने दिनों के पड़े हुए, भाई ने दिखाए थे, अभी भी है। भाई आवाज़ आई है चू सी, लगता बच्चे भी हैं कहीं। ये देखो छोटे छोटे से अंडे है ना, इसलिए मैं इनको ऊपर नहीं लेके आती। इन्होंने आके खा को जाना। एक बार पता है विस्की ने कबूतर मार दिया था ऐसे ऊपर आके, इसलिए हम लेके नहीं आते। पर यार मौसम क्या सुहाना मौसम है, एकदम से है सेक्सी सेक्सी मौसम हुआ पड़ा है। सो गाइस, ब्रेकफास्ट रेडी है, दाल अनियन परौंठी और अचार। पहले मेरा मन था कि बाहर जाते हैं कुछ खा के आते हैं, फिर मैंने कहा नहीं कौन जाए, चिक्कड़ विक्कड़ बहुत होता है। और बारिश वाले दिन जब बारिश होती है ज्यादा, जब लाइक मॉनसून स्टार्ट हो जाते हैं, तो बाहर का खाना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, स्पेशली स्ट्रीट फूड। तो हमको ये लगा, वो अपने लगे तमाशे करने पीछे, तो हमको लगा कि बेटर है घर में बना लेते हैं। तो भूख लगी है मुझे बहुत जोर की, परवाह नहीं हमें जोरों की। ये देख लो स्कॉची। चलो गाइस मैं खाना खा लूँ। शावर लेके आई, पा रहा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक मेरा दिल कर रहा है आज ना मौसम अच्छा है, थोड़ा बहुत त्याशर होकर पिक्चर्स क्लिक करूँ, नाइस वेदर। दूसरा दिल कर रहा है कि वेदर ही इंजॉय करूं, क्या पिक्चर्स क्लिक करनी है। यूज हुआ रहता है क्या करे क्या ना करे, सर्दियों में होते हैं तो होती है गर्मियां, गर्मियों में होते तो सर्दियां, पर सर्दियों में ज्यादा मजा आता है ना, ठंडी ठंडी सी होती है, कोजी कोजी से कपड़े पहनो, गर्मी भी अच्छी होती है। मैं सोच रही हूँ थोड़े बहुत तैयार श्यार हुआ जाए और फोटोज वोटोज क्लिक की जाए। बाल मेरे पता है रोज शैम्पू करने पड़ते हैं बाल, डेली। कैन यू बीट दैट डेली बाल धोने, बीइंग अ गर्ल और इतने हैवी बाल। और मैं क्या करूँ, स्वेटिंग इतनी होती है, अगर ना धोऊंगी ना तो पता नहीं क्या होगा मेरे बालों का हाल।
नहीं, नहीं, नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ करें, तो कहीं गेड़ी बेड़ी लगा के आते, पर मेरा मन नहीं है। पिछले कितने दिनों से ना बस डेली की गेड़ियाँ 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 लग रही हैं। सो आज थोड़ा सा मैं इस मूड में हूँ कि थोड़ा सा से ना रेस्ट वेस्ट, रेस्ट भी नहीं मतलब एम ही बस कि कहीं जाऊँ ना, यही घर में ही रहूँ, तैयार बाल बाल स्ट्रेट करता। अरे स्ट्रेट करने का दिल है, बाल बड़ी देर होगी, बड़े दिनों से कर ली कर ली कर ली कर ली। मैं सोच रही बालों की स्ट्रेटनिंग करते, मौसम अच्छा बाहर बैठ के करती हूँ स्ट्रेटनिंग ऑफ माय हेयर। है ले जांदा स्वच ए की हो रही है, किड़ी बदतमीजी है हैं स्कॉच। इंडिया का काजल लगा लिया, कोई नाम ही है फैब इंडिया, बकवास काजल है फैब इंडिया का, कभी मत लेना। जब भी आंखों में लगाओ, आंखों में इतनी जलन होती है ना फैब इंडिया के काजल से, मेरी पूरी आंखों में जलन हो रही है। गाइस जितना मर्जी अच्छा मौसम हो बाहर, समर्स में ना कुकिंग करो ना चपातीज बनाओ तो यही हाल हो जाता है। देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा मेरा स्वेटिंग से। तो गाइस आज मैं बनाने लगी हूँ कटहल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जैक फ्रूट। ये हमारे घर के सामने नेबर्स हैं आंटी, उन्होंने दिया, उनके कहीं से आया था तो वो दे गए, तो लगी आज मैं बनाने। इसको वेजिटेरियंस का मटन भी कहते हैं, तो जब बनेगा तब दिखाती हूँ आपको कैसा बनता है। ह्यूमिड हुआ पड़ा है ना मौसम, इतना ह्यूमिड हुआ पड़ा है ना, वॉक करा के आई, इससे बस पूरा बुरा हाल। ये देख लो खाना वाना खा के वॉक शॉक करके अब इसको मस्तियाँ चढ़ी हुई है मेरे टीन डेशे को टीनडे नो टीनडे मस्तियाँ चढ़ियाँ तेनों वो टीनडे गाइस का नाम मैं टिंडा रखूँ, मैंने इसको पता क्या क्या नाम रखे हुए हैं, टिंडा मंकी है, टिंडा मंकी स्कॉची बंदर पता नहीं क्या क्या, और उसके विस्की भी बड़े नाम रखे, पर उस विस्की का मतलब जो नाम उसको भी पता है कि उसका नाम है वो है गुगू, तो जब मैं उसको गुगू करके बुलाती हूँ ना को पता लग जाता है, तो उसको मैं प्यार से बिस्की में कम ही कहती हूँ, उसको ज़्यादा बिस्कू या गुगू कहती हूँ। तो इनके अपने आप ही नाम रखे, तो वैसे भी होता है ना जब आप किसी को प्यार करते हो ना तो अपने आप ही दिल से यू नो ऐसे नाम निकल आते हैं, जैसे गुगू स्कॉची ये सारे अपने आप ही निकलते हैं। तो गाइस अब मैं लगी हूँ खाना खाने, भूख लगी हुई है। और आपको मैंने बताया कटहल, एक्चुअली ना मेरे घर के पास आंटी रहते हैं, उनकी सिस्टर के घर में लगे हुए कटहल वटहल, तो लास्ट ईयर भी समर में इतने ज़्यादा कटहल देके गए थे, तो कल भी रात को मुझे आंटी ने पकड़ा दिए, तो आज मैंने बनाए। और इनको कहते क्या हैं वेजिटेरियंस का मटन, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा वैसा होता है, पर तरीका वही है, बात वही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्जियाँ तो हर कोई होती है, फ़र्क तो बनाने वालों के हाथ में है। सब्जियाँ तो वही होती हैं, फ़र्क तो बनाने वाले के हाथ में है। जो मज़ा खाने का किसी और के साथ नहीं, वो डेजी के साथ में है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, छागे छागे गुरु। तो गाइस ये मेरी थोड़ी सी मेरे में वो है यू नो, ऐसे मैं शायरी वायरी सी मार लेती थोड़ी बहुत, तो मैं लगी हूँ खाना खाने, भूख लगी हुई बहुत जोर की, परवाह हमें नहीं है चोर की मोरों की और किसकी पता नहीं, चलो गाइस मैं लगी हूँ खाना खाने। तो गाइस डिनर रेडी है, ये रहे कटहल की सब्ज़ी, इसका टेक्सचर देख लो और इवन शक्ल भी देख लो, मटन जैसी है, तो तभी इसको कहते हैं वेजिटेरियन का मीट। चपाती अचार और मेरी मिर्ची है प्याज। ये जो कटहल होता है खाने में बहुत टेस्टी बनता है, अगर मैंने बनाया हो तो बहुत टेस्टी बनता है, और इसी तरह के टेक्सचर का अचार भी आता है गर्मियों में, उसको कहते हैं टेऊ का अचार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी साल हो गए मैंने नहीं बनाया,
एक्चुअली मेरे को 3 साल ही हुए खुद अचार बनाते हुए घर में, वैसे पहले पापा बनाते थे, कभी कभी मामा भी, मैं बनाती हूँ। तो कोई नहीं, टाइम आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आपको दिखाऊंगी अचार कैसे बनाती हूँ मैं आम का। इस पर मैं कोशिश करूँगी ट्यों का भी डालूँ। नाम कितना अजीब है ना, ट्यों और इसका कटहल और एक वो सब्जी है पे, ये पंजाबियों के नाम ही बड़े अजीब अजीब से। डेले, एक वो आता है अचार आता है उसको कहते हैं डेलिया का अचार। केपर्स होते हैं, केपर्स होते हैं उनको कहते हैं डेले, और नसूड़िया का अचार, मतलब ऐसी अजीब से नाम होते हैं कई बार मेरे को किसी को बता। और हाँ एक चीज़, एक क्वेश्चन सबसे मैं पूछती हूँ, मुझे आप ये बताओ जो मेरे बड़े लोगों के साथ बहस भी हो चुकी है, एक फ्रूट होता है पियर राइट, उसका एक दूसरा नाम होता है गब्बू गोशा, कई कहते हैं बब्बू गोशा, कई कहते हैं गब्बू गोशा, तो आप मुझे बताओ कि आप गब्बू गोशा कहते हो कि बब्बू गोशा कहते हो, क्योंकि मैं तो गब्बू गोशा कहती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे दूसरी सिटीज के, जैसे लुधियाना पटियाला, वो बब्बू गोशा कहते हैं, तो आप मुझे बताओ आप क्या कहते हो। चलो बब्बू गोशा, गब्बू गोशा हो गया, अब मैं कटहल खा लूँ, तो मैं अपने, भूख लगी हुई है, खाएं जल्दी।